Good morning, students. Today my topic is the sentence. What is the sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sentence. एक ऐसा जो है समूह है शब्दों का समूह sentence एक शब्दों का समूह है जो हमें एक right sequence से रख के जिससे हमें complete sense draw करते हैं निकालते हैं. First of all, we discuss about the some feature of the sentence. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. एक सेंटेंस में हमें क्या क्या नीड होती है, क्या जरूरत होती है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये एक शब्दों का समूह है. ठीक है, सेंटेंस क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस. और यह हमें कंप्लीट सेंस देता है. वही सेंटेंस सही अर्थों में वो सेंटेंस कहा जाएगा. And it has a verb or an action words. And the next क्या है? It has a verb or an action. इसमें हमें एक verb या फिर एक action word होना जरूरी होता है. इसमें आप एक action word पाएंगे या फिर एक verb आप जो ये show करता है कि perform किया क्या जा रहा है, क्या action perform किया जा रहा है by subject के द्वारा. And it begins with a capital letter. और इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी starting जो होती है वो capital letter से होती है. And last, the most important, it ends with a full stop. और जो end होता है वो किससे होता है? वो full stop से होता है. But I would like to tell about the phrase. अभी आपको मैंने sentence के विषय बताया क्योंकि इस topic sentence का ही चल रहा है. But phrase क्या होता है ये भी जानना जरूरी है आपके. What is the phrase? A sentence is a group of words that makes a some sense. जो हमें थोड़ा sense देता है but not a complete sense. लेकिन उसका सही अर्थ, उसका सही panorama निकल के नहीं आता, उसका सही दृश्य हमको नहीं निकल के आता, सही चीज हमें उससे उसकी मीनिंग नहीं मिलती, उससे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज. वंस अगेन आई रिपीट इट, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सम सेंस. जो हमें कुछ सेंस देता है बट नॉट ए कंप्लीट सेंस. लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता. जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं. एट द स्टेशन, एट द स्टेशन इनटू द गार्डन. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज. ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल फ्रेज के हैं. फ्रेज किस तरह से ये हमें सेम जो है सम सेंटेंस सम सेंस को प्रोवाइड करता है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस जो वो देता है वो हमें सेंटेंस ही देता है. क्योंकि विदाउट सेंटेंस हम अपनी बात को, अपने कन्वे अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते. थ्रू द असर्टिव सेंटेंस, थ्रू द इंपरेटिव सेंटेंस, थ्रू द इंटरोगेटिव सेंटेंस, थ्रू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देयर आर द टाइप ऑफ सेंटेंस. ये सब सेंटेंस के प्रकार हैं और इनके थ्रू ही हम अपने एक्सप्रेशन को रखते हैं. अगर हमें अपने इमोशंस को रखना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं. ऑर्डर को एक्सप्रेस करना है इंपरेटिव सेंटेंस को. हमें अपने किसी बात या किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है टू मेक ए स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसके लिए हमें असर्टिव सेंटेंस का यूज. तो इस तरह से हम सारे सेंटेंसों का यूज अलग अलग पर्पस से करते हैं. एंड आपको ये दिखाते हैं कि यदि हमें सेंटेंस में वर्ड्स के सीक्वेंस को न करके उसे डिसऑर्डर में करते हैं तो होमवर्क आई माई फिनिश. व्हाट डू मीन? इसका मतलब क्या है? है होमवर्क आई माई फिनिश. इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है. दिस सेंटेंस इज नॉट गिविंग एनी सेंस. कोई भी सेंस इसका निकल नहीं रहा है. बट इन द सेकेंड सेंटेंस माई होमवर्क. माई होमवर्क में क्या है? माई होमवर्क गेव अस सम सेंस. इससे हमें कुछ सेंस तो मिल रहा है कि मेरा होमवर्क, बट नॉट ए गिव सेंटेंस.
ये हमें पूरे के पूरे सेंस को नहीं देता है, पूरे सेंस को सब प्रोवाइड नहीं करता है. एंड द लास्ट इज व्हेन वी मैनेज इन ऑर्डर वे इन ए सीक्वेंस एवरीथिंग इन ए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में हमने रख ली थी इसको रखा जब तो आई गॉट ए राइट मीनिंग. हमने इसका एक राइट मीनिंग पाया. कैसे? आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देन ऑक्सिलरी देन फिनिश. मैंने आपसे कहा ना कि एक नेक्स्ट एक हैज ए वर्ब, इसके लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है, एक्शन वर्ड्स की भी जरूरत होती है. आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. जब मैंने इसको सीक्वेंस में रखा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में रखा, देन हमको क्या मिला? आई गॉट ए कंप्लीट सेंस. हमको इसका एक कंप्लीट सेंस मिलता है. तो इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस बताए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए, और किस तरह से एक सेंटेंस की मीनिंग्स और फ्रेज में क्या अंतर है और सेंटेंस में क्या अंतर है. आज की वीडियो में बस इतना ही.